हम पाली जा रहे हैं, हम युवराज निपुण मैट गिरा दिया जरा। ध्यान से गिरना जी हो। ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਯਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭੀ ਕੋ। ਸੋ ਆਪ ਇੱਕ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫਟਾਫਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਜ਼ੇਰੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਪੁਣ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ। ਉਹ ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆਏਗਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਸਕੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ये बंदा जा रहा है जर्मनी। शक्ल दिखाना जरा। मैं मां तो देखने योग्य नहीं है पर कंटेंट योग्य है। ठीक है ये बंदा ये जा रहा है जर्मनी और इसने पता कब बताया हमें आज कि ये कल एक दिन बाद जा रहा है। ये बड़ी की बात यह है कि तीन बंदे हम आ गए। हम तीन ये जो हमारे कुलचा पार्टनर्स थे ये रस्सी और निपुण पर बाकी वो ओ ओ कमल ये है। अगर हम अमीर कैटेगरी के लोग माने तो ये है वो बंदा। इनका खुला बिजनेस है मिल्क में। मिल्की मैन। वो हमारा प्लान चेंज हो गया। हम पिजेरे की जगह पे जा रहे हैं BHK। यहाँ पे दिखाते हैं वो BHK कैसा है कैसा है। मैं खुद आई गेस पहली बार जा रहा हूँ BHK। ये रितेश है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है। डॉक्टर्स की तो आजकल खूब रिस्पेक्ट होती है। फुल रिस्पेक्टफुल वो सैनिटाइजर। युवराज आ गया। युवराज अरोड़ा ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? डॉक्टर है ये भी डॉक्टर बन गए? ये कहाँ का डॉक्टर है? जा रहे हैं हम युवराज निपुण मैट गिरा दिया जरा। ध्यान से गिरना जी हो। सब आपको आराम से समझाते हैं कि BHK क्या जगह है। BHK ये नॉर्मल कैफे टाइप जहाँ पे खाना भी मिल जाता है स्नैक्स भी मिल जाते हैं। ठीक है जी। एंड अब गेम क्या है कि हमने पहले सोचा था कि हम पिजेरे जाते हैं फिर पिजेरिया बटलर ये सब कन्फ्यूजन चल रही थी तो हम गए सारे पिजेरिया मार्केट पे मिले। फिर उसके बाद हम गए BHK जहाँ पे सबने बोला कि नहीं नहीं इसमें से एक कनम था जो मैंने वो दिखाया था। मैंने कहा था काफ़ी पैसे वाला बंदा सही में है भी वो इनोवा वगैरह आईफोन एंड ऑल दैट और दूध की फैक्ट्रीज है उनकी। तो उन्होंने कहा उसने कहा कि चल BHK चलते हैं उसका रेट वेट सब सही है। तो जब हम BHK गए हमने खाए दो प्लेटर मान लेते हैं एक तंदूरी सिजलर हो गया और एक हमने खाया होगा दो प्लेट सैंडविच थे और सबने एक ड्रिंक थी और क्लास में चोको सिजलर क्या बोलते हैं वो गरम केक पे आइसक्रीम डाल के फिर लिक्विड वो चॉकलेट वो खाया हमने। तो उसका बिल अगर हम कहीं और एक जनरल जगह खाते हैं मतलब नॉट सो वेरी प्राइसी तो मेरे हिसाब से 2,500 या मैक्सिमम ऊपर लगा लो तो 3,000 और यहाँ पे बिल आया 4,500 जो आपने पीछे सारी का क्लिप देखी। आई वाज लाइक इतना ज़्यादा प्राइसी। तो आई वॉज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतना ज़्यादा प्राइसी नहीं होना चाहिए था। तो एक सेकंड में ज़रा गाड़ी हाँ तो उसका बिल आ गया 4,700 मतलब हमें अगर हम उसको डिवाइड करें बाय 6 तो उसका पर पर्सन 750 रुपये एक बंदे का पेट भरने का आराम से। हमने खाया पिज़्ज़ा भी था सच बीच में एंड तो वो मुझे तो भाई लिटरली बोलूँगा मुझे बहुत प्राइसी लगा बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास खुला वैसा ऐसा रोड रहने के लिए तो आप चलो जो BHK बनी तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये जगह इतनी ज़्यादा चाहे इसकी सर्विस वर्विस ठीक है टेस्ट भी ठीक है पर इतना ज़्यादा प्राइसी मतलब मैं तो नहीं सजेस्ट करता यार कि आप BHK जाके खाओ। उससे कई बेटर जगह भी हैं
एंड वो भी आगे जाके पिज़्ज़ेरिया इज अ गुड प्लेस यार, पता नहीं लोग यहाँ माने या नहीं पर मैं मानता हूँ ये चीज़, पिज़्ज़ेरिया एक अच्छी जगह है और प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन है। एक सेकंड में जाना ज़रा बीकानेर वाले के पास, तो मोड़ते हैं गाड़ी। तो यही है एंड मतलब यार कहीं पे लिमिट से ज़्यादा अगर कोई चीज़ का प्राइस होगा तो बंदा क्यों नहीं जाएगा। गाड़ी पार्क करूँ यहाँ पे कर दूँ, हाँ यहाँ ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ बीकानेर वाला एंड बहुत सुना है इसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ पापा ने कुछ चीज़ वीज़ ले ली थी एंड थोड़े एक्सपायरी की क्लोज डेट थी, अब जाके चेंज करवानी है इसकी भी क्योंकि काफ़ी इसमें बिल विल साथ ही पड़ा है। वो बीकानेर वाला दिखाते चलो। तो मैंने कहा वो अब रहने दो, अब आप रख लो क्योंकि एक्चुअली कोई मुझे कुछ मिस मैच हो रहा होगा, बहुत रिसेंट डेट की आ गई हैं सारी, 4 जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग है एंड 4 अक्टूबर की आ गई। तो मैंने कहा कि ये हम इधर देख पा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, ये अब लगवाते हैं, पता अपने को फेवरेट अपने। तो ये उन्होंने लड्डू दिए हैं, आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी मन लल जाए, जैसे मेरा अक्सर लल जाता है एंड ये मेरे फेवरेट हैं यार, सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा वाले फेवरेट हैं ये देख लो। चलो घर जाके खाएंगे यार, अभी नहीं डांट पड़ जाएगी नहीं तो। यही है ज़िंदगी ऐसे ही कट जानी है। आप बस मुझे ये बताओ अगर आपको व्लॉग पसंद आया फुल एंड ऑल, मतलब मेरा जाना वो यार मेरे दोस्त मेरे ज़्यादातर ऐसे दोस्त हैं कि हम मुझे बोलते थे पहले कि कैमरा का मतलब ना, फिर भी मैं जितना ट्राई किया मैं उतना ले आया। सारे बहुत ही ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है, क्या सोचते हैं शायद मैं छोटा यूट्यूबर हूँ कौन ही देखेगा हमारी वीडियो, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हमारे 1500 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, कोई तो देखता ही होगा। तो यही है एंड व्लॉग पसंद आया, मज़ा आया खाना पीना देख के, तो मन कर जाता है स्पेशली मेरे फेवरेट लड्डू देख के तो पक्का किया होगा। तो अगर अच्छा लगा मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते, ठीक है जी मैं चलता हूँ घर।